हेलो डोरा लवर्स, कैसे हो तुम सब लोग? आई होप कि तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने 3 महीने पहले एक प्रेडिक्शन किया था कि डोरेमोन मूवी नो विद स्टैंड बाई मी 3 कब आएगा, एंड वो प्रेडिक्शन सही हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कशन करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में, पुराने मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब 3 महीने पहले के एक वीडियो में मैंने तुम लोगों को बोला था कि डोरेमोन मूवी नो विद स्टैंड बाई मी 3 2025 या 2026 अंदर आएगा। एंड यस गाइस, यही हुआ है। डोरेमोन मूवी जो मतलब स्टैंड बाई मी 3 है, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है, एंड वहाँ पर तुम लोग को देख सकते हो कि मतलब आर्टिकल आया है 3-4 दिन पहले, और मैंने प्रेडिक्ट किया था 3 महीने पहले। एंड वहाँ पर भी बोला है 2025 या 2026 के अंदर ही डोरेमोन मूवी नोबिता स्टैंड बाई मी 3 आएगा ही। मतलब डोरेमोन मूवी नोबिता स्टैंड 3 को आने में 2025 या 2026 लग ही जाएगा। अब तुम लोगों के मन में तो एक क्वेश्चन आएगा ही, डोरेमोन मूवी नोबिता स्टैंड बाई मी 3 अगर जापान में ही 2025 या 2026 में आएगा तो इंडिया में कब तक आएगा? वेल देखो, अभी तो 2023 चल रहा है एंड अभी तक भी नहीं आया है। एंड इसका रीज़न है कि नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका है हिंदी डब में, तो शायद से मुझे नहीं लगता है कि ये कभी डिज्नी इंडिया इसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट भी दिखाएगा। तो अगर 2026 में स्टैंड बाई मी 3 आया तो शायद से इंडिया में इसको आने में 2028 या 2030 तक लग ही जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट है, 7 ईयर्स, 5 से 7 ईयर्स के एक बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम है। जो बस इतना ही था, मैं जिस वीडियो में प्रेडिक्शन किया था उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर एंड पिन कमेंट में। वीडियो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन।